दोस्तों, क्या आपको लेना है बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 20,000? तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, मैं बताऊंगा अपने ओपिनियन। दोस्तों, आप अनबायस क्वालिटी टेक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल दी माजवे को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो इस फोन का नाम जिसके बारे में बात करें उसका नाम है ब्लैक शार्क 2, जो कि आपको ये 40,000 का लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल पे फ्लिपकार्ट पे आपको ये 20,000 का देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 9.5 पे रन करता है। डिस्प्ले की बात करें, इसमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 19.5:9 की रेशियो के साथ आता है। प्रोसेसर की बात करें, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर मिलता है, इंडिया का पहला फोन बन जाता है जिसमें आपको 20,000 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर मिलता है। साथ में एड्रीनो 40GB मिल जाता है, जिससे आपको बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस मिलेगी। और कैमरे की बात करें, जिसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बैक में 48MP का जो प्राइमरी कैमरा है वो G1 सेंसर है सैमसंग का, और जो अगला 12MP का टेलीफोटो कैमरा है। और साथ में सेल्फी कैमरे की बात करें तो 20MP का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आपको सेम पोको F1 में देखने को मिला था। बैटरी की बात करें, जिसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18W के साथ चार्जर के साथ आती है, जो आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट है, मतलब कि आप सब अलग से 27W का जो Xiaomi का चार्जर आता है उसको लेके इस फोन को फटाफट से चार्ज कर सकेंगे। तो प्राइस ऑफ वेरिएंट की बात करें तो 628 वाला वेरिएंट, जो कि 40,000 का लॉन्च हुआ था, अभी आपको 20,000 का देखने को मिलता है। और साथ में आप SBI के क्रेडिट कार्ड का ऑफर यूज़ करते हैं तो फोन आपको लगभग 18,500 में देखने को मिलता है। फोन के प्रोज एंड कॉन्स, फोन का प्रो सबसे पहले है इसका जो डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, और आपको प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल मिलता है, स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है। फोन देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, फोन में अलग से टेक्सचर और आपको RGB लाइटिंग देखने को मिलती है। फोन में आपको डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है, जो आपको गेम खेलने के मज़े को और ज़्यादा अच्छा कर देगा। सब बात करते हैं फोन के कॉन्स की, मतलब फोन के जो आपको अच्छे पॉइंट नहीं लगे। हेडफोन जैक देखने को मिलता है, दोस्तों हम एक्सपेक्ट करते हैं जो ये आपका गेमिंग फोन है उसमें आपको हेडफोन जैक देखने को मिले, और इसका फोन का वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 208 ग्राम में आपको देखने को मिलता है। और इसका दोस्तों कैमरा भी उतना कोई खास नहीं है, आपका डिसेंट सा, मतलब ठीक ठाक सा कैमरा है। इस प्राइस में आपको और अच्छे कैमरा देखने को मिल सकता है। मैं दोस्तों आपको ये फ़ोन ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको बेस्ट गेमिंग या बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन चाहिए। पबजी आपका सब हाई ग्राफिक्स पे चलेगा और बहुत ही आपको खेलने में मज़ा आएगा, और साथ में RGB लाइटिंग वो काफ़ी आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस देगी। इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आपका सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा आप ब्लैक शार्क 2 आपको कैसा लगा। और आपका कोई भी सुझाव या सजेशन तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दोस्तों, इसी टाइप के अनबायस क्वालिटी टेक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल दी माजवे को जरूर सब्सक्राइब करें, और एंड स्क्रीन या आई बटन पर क्लिक करके मेरी और दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर, एंड आई लव यू ऑल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।